दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो का खीर, जो कि मैंने पानी डाल के उबाल रही हूँ। और ये हमारा मैंगो है, जिसको मैं छील के और इसको पीस पीस में काट के इसकी जो ना जो छिलके हैं उसको मैं हटा दूँगी। हटाने के बाद छिलके को भी मैं धो के डालूँगी इसमें काट के, जबकि इसमें फास्फोरस वगैरह अच्छे होते हैं, फाइबर रिच होते हैं। अभी हम जो है मैंगो के जो छिलके हैं इसको बारीक बारीक इसको ऐसे काट लूंगी, जब तक दूध और मैंगो को और छोटे छोटे काट लूंगी इसके छिलकों को। अभी देखिए दूध खोल गया मेरा अच्छे से, और इसमें मैं थोड़ा सा मेवा डाल दूँगी, जो कि मेरे पास बादाम ही है, बादाम डाल दिया और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दी। और ये गाढ़ा होगा, जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो गैस ऑफ करके इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद ही मैं इसको जो है फिर इसमें मैंगो और उसका मैंगो का जो है पीस डालूंगी इसमें। इसमें चावल बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब तो मेरा जो है खीर जो है ठंडा हो गया है, अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो मैंने काटा था मैंगो का पीस, इसमें मैं थोड़ा सा केसर डाल दूंगी, अगर आपके पास अवेलेबल रहे तो डालिए, वरना नहीं डालिएगा। बज गया।